नमस्कार दोस्तों, मैं बलजीत सिंह अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल साइंस न्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्वेश्चन करेंगे ए पार्ट के जो पूछे गए हैं जून 2018 में। तो देख लेते हैं हमारा 16th क्वेश्चन। ए स्टिक ऑफ लेंथ एल इज ब्रोकन इनटू टू पीसेज एट रैंडम, व्हाट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ द स्मॉलर पीस। ऑप्शन हमारे पास हैं L/6, L/4, L/3 एंड L/2। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमारे पास जो स्टिक है उसकी लेंथ है L और हमें ये पता है कि जो स्मॉलर पार्ट ये जो होगा उसकी जो लेंथ होगी वो हाफ लेंथ से लेस होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास स्मॉलर पार्ट की जो लेंथ है वो x है और x हमारे पास से 0 से बड़ी होगी और L/2 से छोटी होगी, यानी कि हमारे पास जो x है जो लेंथ है वो 0 से और L/2 ओपन इंटरवल में लाई करेगी। और हमारे पास फॉर्मूला है ये द एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉलर पीस गिवन बाय इंटीग्रेशन 0 टू L/2 एक्स डी एक्स, यानी कि हमारी जो लेंथ है वो वेरी करती है 0 to L/2 और डिवाइड बाय लेंथ ऑफ इंटरवल इन विच एक्स वेरी। तो यहाँ हम निकालें इसको इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L/2 एक्स डी एक्स डिवाइड बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो हमारे पास जो ओपन इंटरवल था उसकी हमने ये निकाली है अब अपर लिमिट L/2 माइनस लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जब हम इंटीग्रेशन करेंगे एक्स का, तो एक्स स्क्वायर बाय टू और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है 0 to L/2 और डिवाइड बाय L/2। तो यहाँ हम L/2 है जो डिनोमिनेटर में उसको हम रिवर्ट करें तो ये हो जाएगा 2/L और एक्स स्क्वायर के जो बटे में है 2 इसको हम बाहर निकाल लें तो ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर हम क्या करेंगे अपर लिमिट को पुट करेंगे और माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट को पुट करेंगे, एल से एल कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आ जाएगा आंसर वो L/4 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास इसका जो आंसर है ये आंसर सेकंड होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें मोमेंट ऑफ ए कार विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन बिलो। यहाँ हमने क्या निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ कार निकालनी है। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है 0, 10, 10, 30, 40, 30, 30 इन सब को ऐड करके और 7 से डिवाइड कर देंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फोर्थ आंसर है 21.43 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, द नंबर ऑफ टाइम्स ए रिसर्च पेपर इज व्यूड एंड साइटेड इज शोन इन ए प्लॉट इन द प्लॉट इन विच मंथ वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन साइटेशन मोर देन द डबल ऑफ द परसेंटेज इन द व्यू। तो क्या है हमारे पास जो प्लॉट है जो ग्राफ है वो ये है हमारे पास। इसमें जनवरी से और फरवरी तक जो व्यू हैं वो बढ़े हैं 4 से 6, यानी कि 2 व्यू बढ़े हैं और हमने क्योंकि इंक्रीमेंट की बात करनी है तो फरवरी से मार्च की हम बात करेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास ये डिक्रीमेंट है, फिर हम मार्च से अप्रैल की बात करें। व्यूज़ में बढ़ोतरी हुई है 3 की, 4 से 7 और फिर 7 से 9 और फिर 9 से 11, तो 2-2 की बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ हम इसकी साइटेशन में बढ़ोतरी देखें, जनवरी से फरवरी 1 की बढ़ोतरी हुई है, 2 से 3 पे गया है और इससे आगे हम देखेंगे नहीं फरवरी से मार्च में, मार्च से अप्रैल में हमारे पास 1 से 2, 1 यानी कि 1 की बढ़ोतरी हुई है और उसके आगे हमारे पास 2 की बढ़ोतरी हुई है और उसके आगे हमारे पास 1 की बढ़ोतरी हुई है। तो हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। हम यहाँ देखें परसेंटेज इंक्रीज इन व्यू, यानी कि फरवरी में हमारे पास व्यूज़ की जो बढ़ोतरी हुई थी वह 2 की हुई थी डिवाइड बाय इनिशियल और इनटू 100, यानी कि हमारे पास 50% आया। और अप्रैल में ही ऐसे ही व्यूज़ की जो बढ़ोतरी हुई है वो 3 है डिवाइड बाय इनिशियल, ऐसे हमारे पास ये आया है 75 और मई में 2 की बढ़ोतरी हुई है डिवाइड बाय इनिशियल। तो इस प्रकार से हमने ये परसेंटेज कैलकुलेट कर ली, ये डाटा हमने कैलकुलेट कर लिया।
फिर हम क्या करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन साइटेशंस। तो फरवरी में हम निकालें तो साइटेशन हमारे पास वन का इंक्रीमेंट हुआ है डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100, और अप्रैल में वन का इंक्रीमेंट हुआ है डिवाइड बाय इनिशियल और इनटू 100। तो ये हमने एज इट इज ऐसे ही इसके डाटा हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें हमने उस डाटा को छांटना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते। कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन हमारे पास है ये, हमारे पास जो कंडीशन है इन विच मंथ वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन साइटेशन मोर देन डबल द परसेंटेज इंक्रीज इन व्यू। तो हमने डबल से ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ हम देखें फरवरी में जो व्यूज हैं वो 50% हैं, और फरवरी में जो हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज है साइटेशन में वो 50% है, यहाँ तो बराबर ही है। यहाँ हम देखें परसेंटेज इंक्रीज इन व्यूज अप्रैल में 75% है, और परसेंटेज इंक्रीज इन साइटेशन अप्रैल में 100% है। तो ये भी डबल से ज़्यादा नहीं है। और हम जून को देखें, यहाँ हमारे पास है 22.2 और यहाँ हमारे पास है 25%। तो ये भी हमारे पास है डबल से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ हम देखें मई में हमारे पास है 28.57 और यहाँ हमारे पास है मई में 100%। तो ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, ये डबल से ज़्यादा है। तो ये हमारे पास इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखे है, इसमें ए फ्यूल स्टेशन सोल्ड डीजल कॉस्टिंग रुपीज़ 15,000 to 150% ऑन ए डे। इफ द लोअर लिमिट ऑफ सेल टू ए पर्सन इज 50, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट इन रुपीज फॉर विच वन पर्सन कुड हैव परचेज डीजल ऑन दैट डे। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का मैक्सिमाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, जो 149 को हम मिनिमाइज कर देंगे। और इसमें कंडीशन क्या है, लोअर लिमिट कम से कम एक हर एक जो आदमी है वो कम से कम 50 रुपये का तो डीजल खरीदता ही खरीदता है, तो मिनिमाइज कर देंगे इसको। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। 149 है उनको तो मिनिमाइज कर देंगे, मीन्स वो तो 149 है वो तो सिर्फ 50 रुपये का ही डीजल ख़रीदते हैं। तो ये हमारे पास जो मल्टीप्लाई आएगी, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आएगी इसकी। और हमने एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को हमने मैक्सिमाइज करना है, तो हमारे पास जो टोटल जो तेल बिकता है एक दिन का वो हमारे पास 15,000 रुपये का बिकता है, और 149 लोगों ने इतने रुपए का तेल ख़रीदा है, तो एक जो आदमी तेल कितना ख़रीदेगा इसी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7550। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन हमारे पास थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 20th क्वेश्चन को और देख लेते हैं। ए एंड बी मूव्स क्लॉकवाइज अराउंड ए सर्कल स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ओ। ए स्टार्ट 9 मिनट्स टू कंप्लीट ए राउंड बट रीस्टार्ट आफ्टर ए डिले ऑफ 1 मिनट। बी टेक्स 13 मिनट टू कंप्लीट द राउंड बट रीस्टार्ट आफ्टर ए डिले ऑफ 2 मिनट्स। हाउ मैनी मिनट्स आफ्टर दे बिगन वुड दे मीट अगेन एट ओ। हमारे पास ये ऑप्शन है 30, 29, 31 and 28। तो यहाँ हम देखें, यहाँ हम देखें एक सर्कुलर पाथ है, और एक सर्कुलर पाथ पे एक तो हमारे पास ए है वो मूव करता है, और एक हमारे पास बी है वो मूव करता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है जहाँ से ये स्टार्ट करते हैं चलना। तो यहाँ क्योंकि जो ए है ये एक चक्कर काटने में 9 मिनट लेता है और 1 मिनट का रेस्ट करता है, ये एक चक्कर लगाने में
13 मिनट लेता है और 2 मिनट का रेस्ट करता है, डिले करता है। तो जब ये पूरा चक्कर पूरा करके आएगा तब ये पहुंचेगा भी नहीं, क्योंकि ये तो फिर 11वीं मिनट में ये तो फिर चलना स्टार्ट कर देगा, ये तो 13 मिनट बाद पहुंचेगा, तो ये फिर चक्कर काटने लग जाएगा। क्योंकि हमने क्या देख करना है, हमने वो टाइम निकालना है जो दोबारा से दोनों ओ पे मिलेंगे। तो यहाँ फिर ये 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 19, ये 19, और ये फिर 19 मिनट से पहले ये दोबारा से चक्कर लगाने लग जाएगा, ये मिलेंगे नहीं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13, तो ये हमारे पास हो जाएगा 28, ये 28। लेकिन हम यहाँ देखें 28 पे ये तो यहीं रहेगा और 2 मिनट का इसने रेस्ट भी करना है, और ये हम यहाँ देखें कि 19 प्लस 1 एक मिनट का रेस्ट करता है, तो और फिर ये चक्कर लगाए, तो हम 9 और जोड़ दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 29। तो ये 29 मिनट में ओ पोजीशन पे पहुंचता है और ये 28 मिनट में ओ पोजीशन पे पहुंचता है और ये 2 मिनट का रेस्ट करता है, तो 28 प्लस 1 यानी कि 29, ये 29 और ये भी 29, ये भी वहीं है और ये भी वहीं है और ये भी वहीं है। तो हमारे पास क्योंकि ये एक मिनट का रेस्ट करेगा और एक मिनट इसके पास बची हुई है और ये भी एक मिनट का अब रेस्ट करेगा और दोनों अब साथ चलेंगे, तो हमारे पास 29 है, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में जो इसका जो आंसर होगा ये 29 हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।